What's up guys, this is Rohit Kitna and back with another video. तो भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ best 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 workout plan जो मैंने follow किया था 12 हफ्ते तक, जब मेरा competition था अभी मुंबई में खेला था amateur Olympia पिछले ही महीने. 12 हफ्ते जो ये वर्कआउट प्लान मैंने फॉलो किया, ये आज तक का वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट प्लान था, जिसने मेरी मसल बिल्डिंग प्रोसेस को बहुत तेज़ भी कर दिया और जो रिजल्ट है वो भी बहुत जल्दी आए. बहुत सारे लोग तो करते क्या है कि एक ही वर्कआउट प्लान को पता नहीं कितने महीनों तक फॉलो करते रहते हैं और सोचते हैं कि रिजल्ट आ जाएंगे. नहीं भाइयों, मोस्टली लोग मैंने देखा वर्कआउट क्या करते हैं, चेस्ट, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बैक, लेग्स, शोल्डर. नहीं भाइयों, या लोग क्या करते हैं, चेस्ट, ट्राइसेप्स, बैक, बाइसेप्स. ये नहीं होने वाला वर्कआउट प्लान. ये मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट प्लान है, पर उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में क्या फ़र्क होने वाला है वो आप लोगों को मैं बीच बीच में बता दूंगा कि आपको क्या फोकस करना है. वर्कआउट सेम रहेगा, करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा. तो वर्कआउट बताने से पहले आपको दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है. सबसे पहली चीज़, जो आपके सेट होंगे वो होंगे टोटल 5 हर एक्सरसाइज के. तो आपको कोई 8-8 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है हर पार्ट की, क्योंकि वर्कआउट बहुत ही मुश्किल होने वाला है. जो रेपिटेशन होगी वो होगी 13 से लेकर 16 के बीच में, आपको ज़्यादा रेपिटेशन निकालनी है. जो वर्कआउट का तरीका होगा वो होगा स्लो, आपको हमेशा वेट को कंट्रोल करते हुए लेके आना है और पुश करना है. अगर आप बाइसेप्स कर रहे हो तो कंट्रोल करते हुए लेके आना है एंड पूरा ऊपर, ठीक है. तो आपको कंट्रोल मूवमेंट से सारी रेपिटेशन निकालनी है. और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप फैट लॉस कर रहे हो, ठीक है, अब तो मैं गेनिंग कर रहा हूँ तो मैं ये चीज़ अवॉइड कर देता हूँ, मैं हफ्ते में एक ही बार करता हूँ कार्डियो. आप अगर फैट लॉस कर रहे हो तो वर्कआउट करने के बाद आप 30 मिनट उस ट्रेडमिल पे जाओ और रनिंग करो, चलो, कुछ भी करो, बट ट्रेडमिल पे जाओ. क्योंकि अगर आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है तो वो वर्कआउट से नहीं होगी, वो होगी वर्कआउट के साथ जब आप कार्डियो ऐड करोगे. कार्डियो ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता है, वर्कआउट हेल्प करता है मसल बिल्डिंग में. तो भाइयों स्टार्ट करते हैं मंडे से. मंडे को ट्रेन करना आपको दो पार्ट को, वो होने वाला चेस्ट एंड शोल्डर. चेस्ट में सबसे पहले सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी बेंच प्रेस. आप डायरेक्ट आए, आपने वार्म अप सेट निकाले और वर्कआउट करने का तरीका देखो भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है. नॉर्मली लोग देखते हो गए, आप ऐसे करते हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है, पर आप एक चीज़ देखो, जब मैं वेट को नीचे लेके जा रहा हूँ तो आपकी जो रेंज है वो कैसी होनी चाहिए, स्लो एंड पुश, स्लो पुश, स्लो एंड पुश, स्लो पुश, कंट्रोल पुश. इस तरीके से आपको हर एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है. तो पहली एक्सरसाइज होने वाली है आपकी बेंच प्रेस मंडे को, उसके बाद स्टार्ट करना है इंक्लाइन प्रेस जो होने वाली है डंबल से, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज आपकी चेस्ट की ग्रोथ के लिए. तो उसके बाद आए आप इंक्लाइन बेंच पे, उसके बाद आए हम फ्लाई पे, और अब हमें लगानी है वो एक्सरसाइज जो हमारी चेस्ट को स्ट्रेच करे. तो मशीन फ्लाई करने के बाद आपको आना है केबल फ्लाई पे, और आप ये देखो मेरी जो रेपिटेशन है वो कितनी स्लो है. पीछे स्लो कंट्रोल प्रेस, ना कि ऐसे जैसे मैं लोगों को करते हुए देखता हूँ. आपका जो एंगल है वो ऊपर होना चाहिए ताकि आपकी जो चेस्ट है पूरी स्ट्रेच हो सके. उसके बाद आपको जाना है डिप्स बार पर, जिसको हम घोड़ी भी बोलते हैं, ठीक है. ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपके शोल्डर, ट्राइसेप्स और चेस्ट पर फर्क डालती है. फिर आपने आना है डिप्स पर और आपका चेस्ट का वर्कआउट कंप्लीट. उसके साथ आपको ट्रेन करने हैं शोल्डर. और भाइयों इस वर्कआउट प्लान के साथ आप दो सप्लीमेंटों को जरूर ऐड करें जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे आपकी रिजल्ट में. सबसे पहला है प्री वर्कआउट, मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है, मैं हमेशा से लेता हूँ, हमेशा बोलता हूँ
कि मेरा फेवरेट सप्लीमेंट है प्री वर्कआउट, क्योंकि अभी भी मैंने पिया हुआ है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, इतनी सारी एक्सरसाइज, खुद की भी एक्सरसाइज करनी होती है, तो प्री वर्कआउट आपको एक एक्स्ट्रा बूस्ट देता है आपका वर्कआउट कराने में, और उसके साथ साथ एक बढ़िया प्रोटीन सप्लीमेंट आपकी मसल बिल्डिंग और मसल रिकवरी के लिए हमेशा इस दुनिया में नंबर वन सप्लीमेंट रहने वाला है। अगर आप मसल बिल्डिंग कर रहे हो या फैट लॉस कर रहे हो, तो ये है बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे, जिसके एक स्कूप में आपको मिलता है 25 ग्राम प्रोटीन, 11 ग्राम EAA प्रो हाइड्रोलेज एंजाइम के साथ, जो आपके डाइजेशन में भी कोई भी दिक्कत नहीं करेगा। और बिग मसल्स न्यूट्रिशन ने रिसेंटली ये ट्रस्ट सील देना स्टार्ट किया है, जिसको आप स्कैन करोगे तो आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, जहां पर आप इनकी पूरी लैब टेस्ट रिपोर्ट देख सकते हो कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन है, इसकी अमाइनो प्रोफाइल, हैवी मेटल टेस्ट, सारे टेस्ट आपको इस स्कैनर से मिल जाएंगे। बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे सर्टिफाइड है इनफॉर्म चॉइस से, जो सबसे बेस्ट सर्टिफिकेशन है। ये है इसका बेस्ट फ्लेवर, जो पहले यहाँ पर आता था, अब ये ऊपर देने लगे क्योंकि इन्होंने अपग्रेड कर दिया है अपना। ये बहुत ही बढ़िया है, खासकर मिक्सिबिलिटी में और पीने में और टेस्ट में और प्राइस में। बेल्जियन चॉकलेट मेरा फेवरेट फ्लेवर है, और भी बहुत सारे फ्लेवर है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके चेक कर लेना। बेस्ट प्रोटीन बिग मसल्स न्यूट्रिशन का प्रीमियम गोल्ड वे। चेस्ट खत्म करने के बाद हमें आना है डायरेक्ट शोल्डर पे, शोल्डर का वार्म अप करना है। शोल्डर वार्म अप किया आपने ताकि इंजरी ना हो, उसके बाद डायरेक्ट आ जाओ। स्टार्टिंग में जो भी हम पार्ट ट्रेन करेंगे उसमें होगी मुश्किल एक्सरसाइज, जिसमें दम लगेगा पूरा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर प्रेस की, यहाँ पर भी हम प्रेस करेंगे स्टार्टिंग में। प्रेस, और उसके बाद ये देख लेना कि आपकी गर्दन, मतलब कई लोगों को गर्दन में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अगर आपको दिक्कत ना आ रही हो तो सबसे बेस्ट है आप या तो फ्रंट प्रेस कर लो बारबेल से, नहीं तो बिहाइंड द नेक प्रेस करो। अब बहुत सारे लोगों को है ना बिहाइंड द नेक में यहाँ दर्द होने लग जाता है, बट अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो हमेशा बिहाइंड द नेक करें। अगर आप कंफर्टेबल हो करने में, अगर आपसे नहीं करे जाते तो फ्रंट तो है ही, दोनों बेस्ट है आपकी शोल्डर की ग्रोथ के लिए। और ये ऐसी एक्सरसाइज है, आप देख रहे हो ना भाई, ये शोल्डर पहले से कैसे हो गए, कुछ साल पहले मेरे शोल्डर दिखते भी नहीं थे, ठीक है। उसके बाद आ जाना आपको उसके बाद हमें करनी है रिवर्स फ्लाई, जैसे हम चेस्ट फ्लाई करते हैं चेस्ट के लिए, ऐसे ही रियर डेल्ट के लिए, क्योंकि जब तक आपका रियर डेल्ट ट्रेन नहीं होगा आपके शोल्डर छोटे दिखेंगे। तो हमेशा इस एक्सरसाइज को ज़रूर इंक्लूड करें, बट जो सबसे ज़रूरी चीज़ है भाइयों, फिर से बोल रहा हूँ, वो है करने का तरीका। ट्यूसडे को ट्रेन करना है आपको लेग्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। मैंने बोला भाइयों बाइसेप्स के लिए सिंगल डे नहीं देना, मैंने बोला आपको ट्राइसेप्स के लिए सिंगल डे नहीं देना, मैंने बोला आपको लेग्स के लिए भी सिंगल डे नहीं देना। ट्यूसडे को आना है आपको अपना स्क्वाट पे, स्क्वाट रैक लगाया आपने, स्टार्ट करा अपना लेग वर्कआउट, और 6 सेट लगाने हैं आपको स्लो रेपिटेशन से स्क्वाट के। स्क्वाट के बाद अपना लेग प्रेस करो, लेग प्रेस के बाद आपको लेग एक्सटेंशन करना है, उसके बाद आपको रिवर्स कर्ल करने हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर बॉडी पार्ट की एक अलग वीडियो बनाऊं, जैसे मैं एक्सप्लेन करूं कि बाइसेप्स में जब हम वर्कआउट कर रहे हैं तो कौन कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट होने वाली है, कैसे करने वाले हैं, क्योंकि ये वर्कआउट प्लान बताने का जो मेन पर्पज़ है वो है किस दिन कौन सा पार्ट ट्रेन करने से आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलेंगे, और ये वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट स्प्लिट है जो आपको फॉलो करना है। आपने स्क्वाट करे, उसके बाद आपने लेग प्रेस करी,
उसके बाद आपको लेग एक्सटेंशन करने हैं, उसके बाद आपको लेग कर्ल करने हैं जो आपके हैमस्ट्रिंग के होंगे, उसके बाद आपको लेग रेजेस करने हैं, आपका लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट। अब आते हैं भाइयों बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पर। बाइसेप्स ट्राइसेप्स को भाइयों कैसे ट्रेन करना है आपको, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। आपने यहाँ पर बाइसेप्स के लिए लगा लिया, आपको दो दो एक्सरसाइज करनी है, आप अपनी फेवरेट कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। या तो आप केबल से कर लो, या आप करना चाहते हो डंबल से कर लो, ठीक है। बट मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ कि ये वर्कआउट प्लान होगा कैसे। आपने केबल लगाई, आपने बाइसेप्स का एक सेट कंप्लीट किया, उसके बाद आपका सुपर सेट होएगा ट्राइसेप्स का। आपको डायरेक्ट ट्राइसेप्स पे आना है, और जो भी आपकी फेवरेट एक्सरसाइज है, रोप पुश डाउन हो सकती है, डंबल किक बैक हो सकते हैं, ठीक है, क्लोज ग्रिप प्रेस हो सकती है बेंच पर, तो वो आपको फॉलो करनी है। उसके बाद मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज वो है हैमर। हैमर करे आपने, वही आपको मेन फोकस करना है कि स्लो ऊपर कंट्रोल नीचे। वैसे तो ये बहुत हल्का वेट है, बट आपको बताने के लिए बहुत है। और इसके साथ साथ आपको सुपर सेट करना है कोई भी ट्राइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज का। मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है किक बैक। आपको इस पोजीशन पे आना है, अब इसके बाद आपको करने हैं एब्स की एक्सरसाइज। आप क्रंचेस कर सकते हो, हैंगिंग लेग रेज कर सकते हो, ठीक है, या प्लैंक्स कर सकते हो, कोई भी दो एक्सरसाइज जो आपकी फेवरेट हो। मेरे को सबसे बढ़िया हैंगिंग लेग रेज लगती है, और बेंच पर लेग रेजेस लगती है। तो आप जो भी आपको बेस्ट लगे, क्योंकि मंडे को आपको कार्डियो करना है वर्कआउट के बाद, ट्यूजडे को आपको एब्स करने हैं, आपका वर्कआउट सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आपको आना है वेडनेसडे पर। वेडनेसडे को आपको क्या करना है चलो बताता हूँ। अब बात करते हैं भाइयों वेडनेसडे की। वेडनेसडे को आपको स्टार्ट करना है बैक से। आप हमेशा लैट पुल डाउन से स्टार्ट करें। अगर आप कंफर्टेबल हो तो लैट पुल डाउन फ्रंट करने के बाद बिहाइंड द नेक भी कर सकते हो, जो मेरी वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज है। मैं बिहाइंड द नेक करता हूँ, शोल्डर प्रेस में भी, बैक में भी, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट बार लगाना चाहते हो स्ट्रेट लगा लो, अगर आप क्लोज ग्रिप लगाना चाहते हो क्लोज ग्रिप लगा लो, बट जो मेन फोकस है वो होना चाहिए आपका कि आपकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए, और रेपिटेशन हमेशा स्लो। हमेशा ध्यान रखना अपना स्क्वीज पर, स्क्वीज एंड पूरा स्ट्रेच बैक को, स्क्वीज एंड पूरा स्ट्रेच बैक को। इसके बाद आप बिहाइंड द नेक करो। और अब बताता हूँ वन ऑफ द फेवरेट एक्सरसाइज मेरी बैक के लिए। तो आपने लैट पुल डाउन कर लिया, उसके बाद आ जाओ अपना बेंट ओवर रोइंग पे। अगर आपको एक चौड़ी बैक चाहिए भाइयों, जो मतलब बहुत ही चौड़ी हो, और मेंस फिजिक में तो बैक बहुत मैटर करती है, तो ये है वो एक्सरसाइज जो आपको हजारों रेपिटेशन मारने पड़ेंगे इसके। इसके बाद अगर आपके जिम में टी बार है तो आप टी बार करें, और लास्ट में डेडलिफ्ट से अपनी बैक को लगाकर ख़त्म करें। और डेडलिफ्ट जो आपकी होगी वो होगी हमेशा हल्के वेट से, क्योंकि भारी आप डेडलिफ्ट बैक वर्कआउट के बाद मार भी नहीं पाओगे। बैक का वर्कआउट जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद आप लोगों को दो एक्सरसाइज लगानी है हमेशा, वो होगी कौन सी, पहले होने वाली है आपकी पुशअप्स। और पुशअप्स में आपको ध्यान क्या देना है कि ये मत देखना कि 6 सेट लग रहे हैं, 7 सेट लग रहे हैं, या 5 सेट लग रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको टोटल 100 रेपिटेशन करनी है पुशअप्स की, चाहे वो आपके 2 सेट में कंप्लीट हो, चाहे वो आपके 3 सेट में कंप्लीट हो, चाहे वो आपके 10 सेट में कंप्लीट हो। आपका मेन फोकस होना चाहिए 100 रेपिटेशन पे। और दूसरी एक्सरसाइज जो आपको फॉलो करनी है वो होने वाली है आपकी चिनअप्स। वर्कआउट के बाद, बैक वर्कआउट के बाद 100 रेपिटेशन, चाहे वो 1 सेट में कंप्लीट हो, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में, चाहे 6 में,
वेडनेसडे का वर्कआउट कंप्लीट करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बट आपको फील जब होगा जब इस वर्कआउट प्लान को आप 3-4 हफ्ते फॉलो कर लोगे और आप लोगों को बहुत तगड़े रिजल्ट दिखने लग जाएंगे, जब आपको मज़ा आने लगेगा कि ये वर्कआउट कितना ज़्यादा डिफरेंट है आपके पहले वाले वर्कआउट से। अब बात करते हैं भाइयों थर्सडे फ्राइडे सैटरडे की। आप लोगों को क्या करना है, जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे वाला वर्कआउट है वही सेम रिपीट करना है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को, संडे को रेस्ट देना है। तो आप ये देखो, मंडे को ट्रेन हमने किया किस चीज़ को, सबसे पहले चेस्ट, फिर शोल्डर, फिर हमने किया कार्डियो, ठीक है। उसके बाद आता है ट्यूसडे, ट्यूसडे को हमने ट्रेन किए अपने लेग्स, उसके बाद हमने किए बाइसेप्स ट्राइसेप्स के सुपर सेट साथ साथ में, फिर करा हमने वेडनेसडे को बैक को ट्रेन, और दो एक्सरसाइज जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है वो होने वाली है आपकी पुशअप्स और चिनअप्स। अब मेरे को जो ये वर्कआउट प्लान है मैंने कितने 12 हफ्ते तक फॉलो किया है, तो आपको भी एटलीस्ट 12 हफ्ते फॉलो करना है, उसके बाद जो होगा वो आपका वर्कआउट प्लान चेंज होगा। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं कि एक वर्कआउट प्लान को पता नहीं कितने टाइम से फॉलो करते आते हैं, तो वो भी बहुत गलत चीज़ है। आपको टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, और आराम से लगा लो आज से 12 हफ्ते बाद मैं आपको एक नया वर्कआउट प्लान दे दूंगा। तो ये होने वाला है आप लोगों के लिए बेस्ट फुल वीक वर्कआउट प्लान मंडे टू संडे। संडे को आपको रेस्ट देना है। अगर आपका मन है कुछ खाने का, एक मील आप मन चाही लो, उसके बाद वापस आ जाओ अपनी अच्छी डाइट पर, और ये वारा का वर्कआउट प्लान जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लाइक करो सबसे पहले अपने भाई की वीडियो को, तुम्हारा भाई है ना बताने के लिए बेस्ट बेस्ट वर्कआउट प्लान आप लोगों के लिए। और भाइयों इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, उनकी भी बॉडी बनवा दो भाइयों, अकेले अकेले बनाओगे क्या। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाल कलर का आपको बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर देना, साण में जाओ तोड़ दो भाइयों, सब्सक्राइब करो भाइयों, करो सब्सक्राइब अभी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मिलते हैं भाइयों अगली वीडियो में। टिल द नॉट पीस गेंस।